आज मैं आपसे कुछ शेयर कर रही हूँ। बच्चों ने कुछ वीडियो बनाए हैं, देखिए आप, हॉरर वीडियो है तो उन लोग इतना ज़िद किए, मना करने पे भी बनाए हैं, तो उनके लिए से फिर मुझे ये बनाना पड़ा। देखिए आप किस तरीके से पूरा उन्होंने किए हैं। हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग हॉरर स्टोरी चैलेंज करने वाले हैं। तो चलिए, नायमा पहले मेरी बारी है। एक बार की बात है, एक राजा रहता था और उसके यहाँ पर एक शाही प्लेट सेट था। उसके बाद उसकी एक काम करने वाली आई और वो उसने उस सेट का एक प्लेट तोड़ दी। और उसके बाद राजा को बहुत गुस्सा आया, फिर उन्हें बहुत डांटा कि तुमने कैसे प्लेट तोड़ दी। वो बहुत शाही थी, बहुत महंगी थी। उसके बाद उसका गला काट दिया गया। और उसके बाद उनके घर के पास एक कुआ था, उससे एक बार राजा सो रहा था तो वहां से आवाज आई, मैं रोज एक प्लेट तोड़ूंगी, मैं रोज एक प्लेट तोड़ूंगी। मैं रोज एक प्लेट तोड़ूंगी। उसके बाद कहानी खत्म। कहानी शुरुआत दोस्ती है, दो दोस्त थी, एक का नाम था लीना और एक का नाम था टीना। तो टीना एक बहुत डरपोक लड़की थी, उसे छोटी सी छोटी चीज से डर लगता था। लेकिन टीना वो उसका नहीं पता, क्योंकि वो एक भूत थी। और उसके बाद वो दोनों बहुत अच्छी फ्रेंड थी और लीना को टीना के बारे में कुछ पता नहीं था। और उसके बाद एक दिन उसकी आंखें लाल और येलो होने लगी। पता नहीं क्या हुआ और टीना को इतना डर लगा कि वो वहीं पे बेहोश हो गई। और उसके बाद जो उसकी फ्रेंड थी उसने उसको उठाई और फिर अपने अड्डे पे लेके उसकी गर्दन अलग करने वाली थी। तभी और उसके बाद उसको बचाने के लिए एक भूत आया था और एक भूत काटने के लिए आया था। तो एक और दूसरी भूत झगड़ने लगे कि हम मारेंगे। और तब तक वो दूसरे भूत ने उसको खोला, लेकिन उसको बचा के भागने के लिए नहीं, उसने खा लिया। और उसके बाद दोनों भूतों ने उसको खा लिया। उसके बाद जो आखिरी का भूत था उसने पूरी भूत आया जो एक पीछे। ये फ्रेंड्स तीन दोस्त हैं, अपनी अपनी स्टोरी सुना रहे हैं। आप भी थी। हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको डरावनी स्टोरी सुनाने वाली हूँ। चलिए देखते हैं। जब एक लड़की जा रही थी तब उसको एक लड़का दिखा, लेकिन उसका पैर बहुत दर्द दे रहा था, गाड़ी में कुचल रही थी। लेकिन उसने बोला, आ मेरे पैरों को बचाओ। तो फिर दूसरे लोग ने बोले कि हाँ हाँ। तो फिर एक लड़के तो फिर बोले, अरे ये क्या हो रहा है यहाँ, यहाँ देखो। तबा ये किसका पैर दुख रहा है, ये तो हमारा फ्रेंड ही है। इसकी टी शर्ट तो एक एक हमारे जैसे सेम थी, लेकिन उसके पास थी उनके जैसे और पैन भी, लेकिन वो बेहोश हो गया और ज़ॉम्बी जैसे नहीं तो भूत जैसे ऐसे नाटक कर रहा। तो फिर एक लड़का एक और आया, लेकिन उसको इतना पैर में दुख रहा था, लेकिन वो उधर देखो।
तो फिर लड़का ने बोला, मैं इतना चाकूंगा नहीं। और सोने सो रहा था लड़का, लेकिन उसको जागने की जाग रहा था, लेकिन क्योंकि उसको अभी जागने के लिए से रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई बाहर आया और कोई किसी का पैर टूटा तो सामने आ जाएंगे उसको ऐसे ऐसे लेकर ले। तो फिर लड़का ने बोला मेरी, तो फिर वही लड़का दिखा नीचे और एक स्कूटर आई थी और बस भी तीनों आ रही थी, लेकिन उसको एक फर्क भी नहीं हुआ, लेकिन उसके पैर रुक रहे थे इसलिए वो नहीं चलने लगा। वैसे उस लोग को तो फिर लड़का आया, लेकिन उसके पास इतना टाइम नहीं था क्योंकि उसको प्लेट्स जमाना है, लेकिन उसके पास खाने की कोई चीज नहीं थी। तो वो ये वही घर में गया जिस खिड़की में देखा जो अभी उठ रहा था, तो फिर उसका मुंह भयानक दिखा। तो फिर वो जा रहा था अचानक, तो फिर उसको जंगली वाला शेर दिखा। उसको जाने में बहुत डर लग रहा था, तो फिर जाने में वो जा रहा था, उसको डर नहीं था, लेकिन वो डर भी नहीं था, लेकिन उसको जाने में बहुत तकलीफ हो रही थी। सामने से रास्ता बंद हो गया था क्योंकि वो आ रहे थे सामने से, खाने वाला था। अचानक वो घर से बाहर निकल के जल्दी आया और फिर जल्दी फटाक से चला और वो गए वही घर में आया। और कैसे लगी, सब्सक्राइब कीजिए मेरे वीडियो को। बाय। ओके टाटा, बाय बाय, आई लव यू, बाय बाय। अब मैं स्टोरी सुनाने वाली हूँ, एक लास्ट स्टोरी मैं सुनाने वाली हूँ। ओ मेरी, तो ये स्टोरी होती है एक लड़का था और उसकी मतलब एक मम्मी थी और उसका बच्चा था लड़का, मतलब 5 साल का था वो, करीबन 5 साल का। और उसने खिड़की में देखा तो फिर उसको कोई दिखा, तो मतलब गार्डन एरिया से आवाज आई और खिड़की में उसने कोई किसी को देखा, तो उसने बोला मम्मी डैडी क्या आ गए घर में? उसके बाद देखे फिर उसने बताया कि मम्मी मेरे को बाहर दिखा कोई और आवाज भी आई, तो मम्मी अब डर गई। और फिर कोई दरवाजे पर बहुत तेज खटखटा आ रहा था और बोल रहा था खोलो बेटा दरवाजा खोलो। और उसके बाद खोलने के बाद खोला नहीं उसने, मतलब खोलो बेटा खोलो उसने बोला तो खोला नहीं। उसके बाद उसने मम्मी को बताया, दोनों बहुत डर गए, उसको खोल रहे थे लोग। और उसके बाद किचन वाले एरिया से मतलब पीछे वाला दरवाजा रहता है ना, उससे आवाज आई, पहले वाले दरवाजे से नहीं हो रहा था तो पीछे वाले दरवाजे से आवाज आई, उसने खटखटाया, तो फिर उसने मम्मी और दोनों डर गए। फिर उसने दरवाजा तोड़ के अंदर आ गया। उसके बाद उसने ऊपर वाली मम्मी और उसके बच्चा था ना, वो दोनों ऊपर वाले उसमें चले गए। और फिर उसने देखा कि ऊपर उसके घर में मामा है, उनके मामा बहुत ज्यादा बॉडी बना के रखते थे उनके मामा। तो फिर जल्दी से अपने मामा को बताया, फिर वो आए, बहुत मारा मामा ने उसको, चोर को, भूत था वो, भूत चोर नहीं था वो, भूत था। उसके बाद बताया गया ये इंसान तो पहले बहुत सालों पहले मर चुका था ये तो। उसके बाद ये कहानी खत्म होती है। बाय बाय, एक और वीडियो में हम बनाएंगे, चलिए बाय।